सदर प्रखंड कार्यालय में मुखिया संघ का बैठक के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बैठक में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें जलापूर्ति योजना के अलावा अन्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में काफी संख्या में विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे। चलाने के लिए सर जमीन पर चयन किया जाए, कहाँ पर मंत्री होने वाला कोई दे नहीं रहा है, या सरकार जमीन कब्जा में रखा है? कब्जा तो मुखिया ये हम छोड़ाएंगे, ये सब क्लियर उसको छोड़ी। देखिए जहाँ जहाँ इसके हम जनरल कुछ बात करेंगे, आप ही लोग सोचिए, कब्जा कर लिया है, क्या तरीका है? ठीक बात नहीं है। वहाँ पर प्राइवेट जो हमारा विकास योजना है वो बाधित हो जाए और हमारे नहीं, 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 नहीं। और हम और आप चुपचाप मुंह बैठ के देखते रहे। हाँ इंडिविजुअल शिक्षा वाला खत्म हो गया, शिक्षा वाला खत्म हो गया। स्कूल है सर, हमारे पंचायत में 9 स्कूल है, तो उसमें जितने टीचर लोग हैं तो कोई अपडेट है नहीं। ले जाके वार्ड लोग हमारे कहते हैं कि भाई वहाँ जो उत्क्रमित विद्यालय वहाँ वो लोग सचिव है, अध्यक्ष है, कोई किसी को पता नहीं है। पंचायत सरकार भवन में जो है उसमें सिक्योरिटी कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई चौकीदार दे सकता, ठीक है, खिड़की से तोड़ दिया उसको हम ले। और सब लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्या क्या कार्य जो विकास के कार्य है उसमें और कहाँ कहाँ दिक्कत है पंचायत में, और विकास के लिए सब लोग मिलकर के साथ में काम करेंगे, ऐसे ऐसा प्रस्ताव है सब। सर कोई अभी पंचायत में देखा जाए कि अभी नल गली स्वच्छ भी नहीं बना हुआ है? नहीं, इसमें काम शुरू हुआ है, अब सब मुखिया जी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो लोग प्रशासनिक स्वीकृति देंगे और दिया भी है।